टीवी एक्ट्रेस हीना खान इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन समय से गुजर रही हैं। उन्हें तीसरी स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। हीना को देश से ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी उन्हें जल्द ठीक होने की दुआएं मिल रही हैं। लेकिन अपने ही देश के एक नामी इन्फ्लुएंसर को लगता है कि हीना ये ड्रामा कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हैं। इन्फ्लुएंसर का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिरकार कौन है ये इन्फ्लुएंसर और उसने क्या बोला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में, मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा उर्फ हीना खान टीवी की महंगी एक्ट्रेस हैं। सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में अपने फैंस को जानकारी दी, और कीमो की शुरुआत से पहले उन्होंने अपने बालों को भी काट लिया है। हीना की कैंसर बीमारी ने ना सिर्फ परिजन बल्कि फैंस का भी दिल तोड़ दिया। इस खबर के बाद जहाँ परिवार, दोस्त, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स और उनके फैंस हिम्मत बांध रहे हैं, तो वहीं बिग बॉस OTT2 में कंटेस्टेंट्स बन नजर आए पुनीत सुपरस्टार का रिएक्शन सामने आया है। पुनीत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसे फेक बता डाला। पुनीत के मुताबिक हीना खान ने अपने ब्रेस्ट कैंसर की झूठी खबर फैलाई है। अपने वीडियो में वो कहते हैं कि अगर हीना खान को सच में कैंसर जैसी बीमारी हुई तो भाई अपने अकाउंट से अपनी बीमारी का पोस्ट कौन करता है, अपनी बीमारी की रिपोर्ट की पोस्ट कौन करता है, भाई इन लोगों ने क्या कर रखा है। इन्फ्लुएंसर ने आजकल अपनी बीमारी बहाना बनाकर रख दिया है और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे उनके लाइक, फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ जाए। पुनीत के मुताबिक हीना खान ने अपने ब्रेस्ट कैंसर की झूठी खबर फैलाई। वहीं बता दें कि पुनीत का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाने लगे हैं। एक यूजर ने तो लिखा, तुम्हारा हार्ट अटैक भी फर्जी था। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई तुम्हें भी तो हुआ था ना, तुम भी तो एडमिट थे और वीडियो अपलोड किया था। आपको बता दें कि पुनीत सुपरस्टार को कुछ दिन पहले माइल्ड हार्ट अटैक आया था और वो भी अस्पताल में थे। उनके दोस्त और कंटेंट क्रिएटर जोगिंदर ने उनकी तबीयत को लेकर अपडेट दे रहे थे, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स निशाना अब साध रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।